कहनी सुननी गई रात में आया रहने का दिन। युधिष्ठिर से इस बात को सीखे, जितना सीखे उसे आचरण में लें, फिर आगे बढ़े। सज्जनों, ज्ञान से श्रेष्ठ है ज्ञान में दृढ़ता। महात्मा गांधी कहते थे, एक पोथी ज्ञान से एक तोला आचरण श्रेष्ठ है। बस यही बात पकड़ ले तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातों से कोई बड़ा नहीं बन जाता। व्यक्ति को बड़ा बनाते हैं उसके कार्य। कदी कहनी कही मुख से, बिन रहनी न होवे काम। रहनी रूह पहुंचा वही, कहनी लग रही चाम। दृढ़ता से हम जो कार्य को पालन करते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है, महान महत्व है। गुरु ने अपने बालक शिष्य से कहा कि मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। कन्हैया को स्वच्छ वस्त्रों से, निर्मल मन से, पवित्रता के साथ तुम भोग लगाना और उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करना। बालक ने उसी प्रकार किया, भोग लगाया। बालक ने देखा भोग वैसा कि वैसा है। बालक ने पुनः भोग लगाया दृढ़ता के साथ, मेरे में कुछ कमी रह गई। इसी प्रकार बालक ने 3 दिन तक भोग लगाया, कन्हैया नहीं आए। बालक ने क्रोध में आकर डंडा ही उठा लिया, तब नटखट कन्हैया पधारे और भोजन ग्रहण किया और बच्चे को भी अपने हाथों से खिलाया। ये है दृढ़ता, इसमें शक्ति है। एक महात्मा जी के पास एक माँ एक छोटे बच्चे को लेकर आई और माँ बोली, महात्मा जी बच्चे को गुड़ खाने की आदत है, कृपया इसे समझा दीजिए ना, हमारा नहीं मानता। महात्मा जी ने कहा कल आओ, कल समझा देंगे। दोबारा आई बच्चे को लेके, फिर महात्मा ने कहा 1 सप्ताह बाद आओ। 1 सप्ताह बाद माँ लेके गई, फिर महात्मा जी बच्चे से बोले, बेटा गुड़ नहीं खाना। माँ छक पड़ गई, महात्मा जी से बोली, ये तो आप पहली बार आई थी तभी बोल सकते थे। तब महात्मा जी ने जवाब दिया, बेटी मैं तब ना स्वयं इतना गुड़ खाता था, बहुत गुड़ खाता था, पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा ताकि मेरी वाणी में प्रभाव आए। इसे ही कहते हैं रहनी रूह पहुंचा वही। एक नन्हे सारस ने चिंतापूर्वक एक वृद्ध सारस को बताया कि शाम को किसान जो पकी हुई फसल है उसको देखकर कह रहा था कि कल मजदूरों से कटवा दूंगा। अगले दिन किसान बोला, कल अपने पुत्रों को भेज कार्य शुरू करवाता हूं। अगले शाम किसान फिर आया, सारस सुन रहा है, वो बोला, किसान बोला, कल सुबह मैं स्वयं फसल काटूंगा। तब वृद्ध सारस ने कहा, तुम लोग अब देर मत करो, सब लोग खेत छोड़ अन्यत्र चल दिए। कालिदास, इनको पत्नी का विद्वान बनकर आओ। कालिदास जी सेवा लगन और प्रयत्न से महाकवि बन गए। तो हम सब भी साथियों कमर कसकर कुछ बनकर दिखाने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। प्रणाम।